आज हम ब्रोकन डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर निकालना बताएंगे। इसके लिए पहले हम डिस्प्ले को चेक करेंगे। देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले में कोई लाइन वगैरह या ब्लैक स्पॉट कुछ नहीं है, डिस्प्ले हमारी एकदम क्लियर है। इसे हमने मशीन पर हीट करना है और जो ब्लेड होता है उसकी मदद से साइडों से थोड़ा सा उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना, थोड़ा सा हमें सिर्फ गैप बनाना है जिससे हमें डिस्प्ले की जो बैक लाइट की मेटल की प्लेट होती है वो दिखनी चाहिए। जैसे ही वो प्लेट हमें दिखे उसमें हमने ये OCA का पेपर है इसे फंसा देना है। ये हमारा पेपर जो बैकलाइट के नीचे जाना चाहिए, उससे फिर हमारी जो रिफ्लेक्टर वगैरह ख़राब नहीं होता। जैसे ही हमारा पेपर नीचे चल जाए हमने इसे आगे पीछे करके जो इसकी साइडों का ग्लू होता है वो काटना है। हमने ज़्यादा जोर नहीं लगाना, वो पेपर को बाहर की तरफ खींचना है जहाँ से ग्लास टूटा हुआ है, वहाँ से हमने अंदर को नहीं पेपर को करना। अगर हम अंदर को करेंगे तो डिस्प्ले हमारी डैमेज हो सकती है। हमने जब पेपर को जो अब आगे तोड़ना है तो हमने उसे पहले पीछे बाहर की तरफ खींचना है, फिर आगे की तरफ तोड़ना है। इस तरह हमने चारों हमारी जो डिस्प्ले के तीन साइड होती हैं उन पर पेपर को घुमाना है। जहाँ भी हमें लगे कि हमारा पेपर फंस रहा है वहाँ हमने जो ब्लेड की मदद से थोड़ा सा ग्लास को उठा लेना है। हमें ज़्यादा ग्लास को नहीं उठाना है जिससे हमारी डिस्प्ले डैमेज हो, थोड़ा सा ही गैप बनाना है जिससे हमारा जो पेपर है वहाँ से गुजर सके। जहाँ ऊपर स्पीकर की जाली होती है ये पेपर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से चला जाएगा, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे जो बेजल वाले सेट हैं इनमें थोड़ी दिक्कत आती है ग्लास निकालने में, जो अभी न्यू आते हैं इनमें बड़ी आसानी से जो ग्लास लगा हो जाता है। जहाँ जहाँ से ये ऊपर बेजल आता है वहाँ से ये ज़्यादा हार्ड चिपका हुआ होता है। हमने डिस्प्ले को 70 से 75 डिग्री से ज़्यादा हीट नहीं करना है, क्योंकि ये ओरिजिनल डिस्प्ले जो नोट 5 प्रो वगैरह की है और J7 Prime वगैरह की, इनमें ब्लैक स्पॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादा हीट से। अब हमने धीरे धीरे पेपर से कटना है इसे, और इसी तरह दूसरी साइड से भी सारा इसका ग्लू हमने काट देना है। हमने दोबारा पेपर का दूसरा साइड कर लेना है। एक साइड जब ख़राब हो जाए जो ग्लास के साथ खिंचता है तो पेपर का जो शेप है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए हमने दूसरी साइड यूज़ करनी है पेपर की। हमने नीचे तक इसका जो ग्लू काट लिया है, अब हमने डिस्प्ले को आगे की तरफ खींचना है और जो नीचे से इसका ग्लू है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। वैसे भी इसका गला नीचे से टूटा हुआ है, आधा गला तो वैसे निकल जाएगा। हल्का हल्का हमने इसे आगे को खींचना है और वापस नहीं जाने देना है डिस्प्ले को। अगर डिस्प्ले इस टाइम वापस गई तो इसका जो लेंज है वो ब्रेक हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले बाहर आ चुका है, क्योंकि ग्लास के पीस टूटे हुए हैं। अगर ये वापस पीछे को जाती तो वो पीस जो हमारा लेंस होता है डिस्प्ले का उसे तोड़ देते। अब हम डिस्प्ले को सेट पर लगा कर चेक करेंगे, हमारी डिस्प्ले ओके है, इसमें कोई ख़राबी वगैरह तो नहीं आई। सेट को ऑन करेंगे, हमारा बैटरी लो हुआ है, सेट को थोड़ा चार्ज लगाएंगे जैसे हमें पता चले हमारी डिस्प्ले में कोई ब्राइट स्पॉट या कुछ और लाइन वगैरह तो नहीं बनी। देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले एकदम ओके है, टच में हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है।